फिर बॉस यही बोलते थे कि मेरे शेयरों अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो। और हमें सीएनसी में जाने के लिए बहुत ही बधाई है जी, और बहुत ही अच्छा लगा जी वहाँ पर जाने के। बच्चे की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों चीज बहुत ही अच्छी थी। बेटी के संस्कारों ने, सीएनसी के आशीर्वाद ने उसको उस सोच से भी, माता पिता की उस सोच से भी आगे लेके भेज दिया। टेस्ट नहीं छोड़ने भी, मतलब टेस्ट लगातार देते रहो और अपने आप पता भी नहीं चलेगा कि कब तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन फिर होता ही दिखेगा। एक हरियाणा का ऐसा गांव पिवान डिस्ट्रिक्ट में गांव है, जहां आप देखो एक बहुत ही पूरा एक समृद्ध परिवार है। एक भारद्वाज परिवार के मैं आया हूं, मेरे भाई शिव कुमार जी जिनकी बेटी साधना सेलेक्ट हुई, रोमिका के गार्जियंस यहाँ हैं, साधना का पूरा परिवार यहाँ है, आपके दादा, आपके पेरेंट्स और गाँव के हमारे सरपंच महोदय, यहाँ के साधना को पढ़ाए हुए स्कूल टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल, ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले जय सी एल सी, मैं आज मेडिकल कॉलेज में हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो वो सी एल सी की देन है, वो उसका ही आशीर्वाद है। मैं जब सी एल सी गई तो स्टार्टिंग में था कि मन नहीं लगता था ये वो, तो जैसे वहाँ डेली असेंबली होती थी तो बॉस का एक था कि बॉस वहाँ असेंबली में आएंगे, डेली आएंगे और जिसकी जो प्रॉब्लम है वो कागज़ पे लिख के दे दी जाए और वो 24 आवर्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व भी होती थी। तो बॉस वहाँ मतलब किसी कोचिंग के डायरेक्टर नहीं है, वो एज अ गार्जियन वहाँ रहते हैं। सुबह सुबह जैसे बॉस 5 बजे ही आ जाते थे हॉस्टल में ही, हमारे जगने से भी पहले कि उठो मेरे शेरों और ये सब, मतलब ऐसे बॉस आता था। तो जब बॉस का जो डेडिकेशन है अपने काम के लिए, वही हमें मोटिवेट करता था कि जब वो इतना कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और एक जो हॉस्टल है, सुबह 5 बजे वार्डन आ जाती थी जगाने के लिए, उसके बाद क्लास होती थी और क्लास के बाद भी मतलब रात का जो कैंप होता था वो तो बेस्ट है। मतलब एक ऐसा होता है ना कि रूम पे डिस्ट्रक्शन होती है, कोई डिस्टर्ब कर दे ये वो, तो सीएलसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएलसी में हमें सिर्फ मेहनत करनी है, शेड्यूल भी वो खुद बना के देंगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह। एक होता है कि शेड्यूल नहीं बन रहा, रूटीन नहीं बन रही, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीएलसी आपको खुद एक शेड्यूल देती है, आपको बस उसे ब्लाइंडली फॉलो करना है, जो टीचर कह रहे हैं वो फॉलो करना है बस। अब जैसे होता है कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, कुछ नहीं है, जो बॉस बता रहे हैं, जो प्रिंटेड शेड्यूल मिला है फिक्स है कि जिस दिन जिस टाइम पे टेस्ट होना है वो उसी टाइम होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो जब मतलब खुद सिस्टम आपको इतना अच्छा मिला है तो हमें सिर्फ वहाँ पे मेहनत ही करनी है। और एक जब लॉकडाउन था तो थोड़ा मुश्किल था एक बार घर आके कि वो माहौल नहीं बन पा रहा था, तो हमारे टेस्ट होते थे डेली, मतलब उसी दिन शाम को टेस्ट का रिजल्ट भी आता था। और लॉकडाउन में जितना अच्छा काम मतलब सीएलसी ने किया है, अगर सीएलसी हमारा मतलब इतना साथ नहीं देती तो शायद सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि घर आने के बाद वो माहौल नहीं बनता है एक बार। तो बॉस डेली रात मतलब आता था, बॉस का 9 बजे रिकॉर्डिंग आती थी, स्टूडेंट्स के नाम बोले जाते थे जो टॉप 10 में, टॉप 100 में ऐसे होते थे। तो फिर बॉस यही बोलते थे कि मेरे शेरों अच्छा कर रहे हो और अच्छा कर सकते हो। और एक बात और, मतलब जब बॉस अपने घर बुला के मीटिंग लेते थे, मुझे याद है जब 3 मई का नेट होना था तो उससे 69 डेज पहले बॉस ने घर बुलाया था और उन्होंने रेफरेंस दिया था। मतलब इतनी औकात नहीं है कि भगवान से कंपेयर करें, लेकिन फिर भी मतलब बॉस ने बोला था कि जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि अपनी शक्तियाँ याद करो, वैसे ही बॉस हमें कुछ स्टिमुलेट कर रहे थे कि तुम कर सकते हो, तुम अपनी मंजिल के बहुत पास हो और ये वो। मतलब मुझे याद है बॉस ने घर बुला के मतलब हमारी मार्कशीट पर टारगेट देते थे, जैसे मेरी एवरेज यूँ 580 थी तो बॉस ने 650 की का टारगेट दिया था। और टारगेट जितना बड़ा होगा तो मतलब सक्सेस, मेहनत अपने आप बढ़ जाती है। फिर हमें बॉस से ही हमने सीखा है कि हमेशा बड़ा सोच के चलो, ऐसा ही कुछ मतलब सीएलसी आपको सिस्टम देती है उसे सिर्फ फॉलो करना है। अब जैसे ये होता था कि पढ़ाई नहीं हो रही, कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें, तो टेस्ट होते थे, टेस्ट इतने हो जाएंगे, सिर्फ आप टेस्ट नहीं छोड़ने एक भी, मतलब टेस्ट लगातार देते रहो और अपने आप पता भी नहीं चलेगा कि कब तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन फिर होता ही दिखेगा। फिर आप जब होश आएगा तो कॉलेज में मिलोगे, क्योंकि एक बार ऐसा होता था, एक हमारे रैंडम टेस्ट जो होते थे वो बेस्ट थे। जैसे माइनर टेस्ट के बाद 2-3 दिन तक ये होता था कि काम इतना नहीं होता था, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी कर दें, लेकिन टाइम वो बॉस की वजह से वो टाइम भी वेस्ट नहीं होता था, क्योंकि जैसे हम टेस्ट दे के निकलते थे नोटिस बोर्ड पे रैंडम टेस्ट का सिलेबस लगा होता था, तो आगे पहले ही एक गोल दिख रहा था कि हाँ अब जाके रैंडम टेस्ट की, तो टाइम वेस्ट होने जैसा तो कुछ है ही नहीं सीएलसी में। और एक मतलब ठीक है पढ़ाई कोई भी कहीं भी करवा देगा, लेकिन एक जो डिसिप्लिन सीएलसी से मिलता है, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, तो वो डिसिप्लिन जहाँ से जैसे सीएलसी में है ना, वो कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। एक और मतलब डिसिप्लिन ही जरूरी है सबसे पहले, तो
और बॉस का जो मतलब डेडिकेशन है काम के लिए, और डेली जो असेंबली होती थी ना, वो तो जैसे बॉस बोलते हैं कि राम बाण है, बायोडिटेज राम बाण है, वैसे ही वो सीएलसी भी, कि लगता ही नहीं था कि कुछ भी, पूरे दिन की थकान वहाँ दूर हो जाती थी। और फिर रात को 12 से 1 जो 8 से 1 जो कैंप होता था उसमें मतलब उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी वो रात को 1 बजे आते थे ये देखने के लिए कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। इवन टीचर्स भी उनके साथ आते थे। और एक सबसे अच्छी बात सी एल सी की, वहाँ मतलब डायरेक्टर खुद एक एक बच्चे से बात करते हैं, तो वो डायरेक्टर नहीं हुआ एज अ गार्जियन वहाँ रहते हैं, और ऐसा कुछ फील ही नहीं होता कि हाँ हम डायरेक्टर के पास जाने में झिझक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉस वहीं आपको बाहर बैठे मिलेंगे सी एल सी के गेट पर, तो एक लगता ही नहीं है कि हम किसी कोचिंग में हैं, बस ऐसा है कि मेंटर के पास हैं और बस पढ़ना है। और एक सबसे अच्छी बात सी एल सी की वहाँ पे, जैसे जब मैं थी तो मेंटर अलॉट होते थे मार्क्स के बेसिस पे, तो मेरे मेंटर सुनील चौरान सर थे। मेंटर क्या करता है कि एक एक हर टेस्ट की परफॉर्मेंस नोट करता है कि कब इम्प्रूव हो रहे हैं, कब मार्क्स कम हो रहे हैं, वो सब। तो उससे ना एक ऐसा रहता है कि हाँ सर चेक करेंगे, सर देखेंगे, तो मतलब मेहनत अपने आप बढ़ जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। और एक मतलब मेंटर को हम मतलब एक होता है कि झिझक होती है कि सबके बीच में बोलने में कि सर मेरा ये पॉइंट वीक है, लेकिन मेंटर के साथ जब आप पर्सनली बात करते हो तो उन्हें बता सकते हो कि सर ये सब्जेक्ट में दिक्कत है। और वहाँ मतलब मुझे खुद महावीर सर ने, मैं एक बार बीमार हो गई थी तो महावीर सर चौरान सर ने मुझे महावीर सर के पास भेजा था, उन्होंने मेरी फिजिक्स कवर कराई थी 1 महीने की। तो एक एक बच्चे पे जहाँ काम होता है ना, वो सी एल सी है। और बिल्कुल मतलब एक और बात बॉस ने जो बोली आज, वो यहाँ बैठे जो मुझसे मेरे जूनियर हैं उन्हें फील होनी चाहिए कि मुंडाल से सिर्फ 5-6 डॉक्टर हैं। नेक्स्ट टाइम आप यहाँ आए हो अभी तो इसका इतना असर ज़रूर होगा कि अगली बार जब आप आओगे तो ये संख्या ज़रूर दुगनी होगी। और कुछ तो और थैंक यू। रुकना ही है कि बहुत रोना है। एक और मतलब जैसे हॉस्टल में जब रहते थे ना, तो ऐसे हेल्थ का इशू भी हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो मतलब एक बार बोलना होता था, और एक बार तो डायरेक्ट आपके पास भी कॉल कर दिया था, तो फिर वार्डन उसी टाइम आई, गाड़ी उसी टाइम आएगी, और आपने हॉस्पिटल में ही कॉल किया था कि मेरे बच्चे आने और संभालना। तो ऐसे तो ये तो बस पेरेंट्स ही हैं जो मतलब रात को भी कि हॉस्पिटल में लेके जाएं या ऐसा कुछ। तो एक जो घर जैसा माहौल है वो वहीं मिलता है। और आप सच में मतलब कोई कोचिंग के डायरेक्टर नहीं मानते, मैं आपको एक मेंटर और आइडल हूं मेरे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी बेटी मेरे पास 2 साल रही, 2 साल वो बच्ची हॉस्टल में रही। आप क्या कहते हैं रोमिका का रिजल्ट के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, और जो आपने सीएलसी में जिया वो आप बताएं प्लीज। हमें सीएलसी में जाने के लिए बहुत ही बधाई है जी, और बहुत ही अच्छा लगा जी वहाँ पर जाने के। बच्चे की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों चीज़ बहुत ही अच्छी है जी। मैं जमींदार आदमी हूँ जी, तो भी मेरी बच्ची MBBS करके निकली वहाँ से जी। ये सब आपकी मेहनत है जी, जो आप तैयारी करवाते हो। अभी आपकी बेटी कहाँ है, किस कॉलेज में? खानपुर कॉलेज है जी। आप खानपुर कॉलेज है, जो गर्ल्स कॉलेज है शायद? हाँ जी, हरियाणा का एक जो गर्ल्स कॉलेज वो तो ना। हाँ हाँ सर, खानपुर एक बहुत अच्छा कॉलेज है जो गर्ल्स का कॉलेज हरियाणा में। ये बहुत बड़ी बात, हरियाणा एकमात्र स्टेट है उत्तरी भारत में शायद जिसमें गर्ल्स बेटियों का सेपरेट एक कॉलेज है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं तो ये कहता हूँ जी, CLC बहुत ही बढ़िया स्थान है जी, बच्चों की सबसे पहली सुरक्षा है जी। अगर सुरक्षा है तो सब कुछ है जी। कि ये बॉस हमारे यहाँ पे हमारे बीच में आए और एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज छोड़ने के लिए हमारे यहाँ पे आए हैं कि जहाँ पे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता लगता है, और इस इम्पोर्टेंस में यहाँ पे मैं जब से सुना तब से मैंने तो 2-3 कड़ियाँ दिखाई दी। मैं धन्यवाद करता हूँ CDS स्कूल का भी, धन्यवाद करता हूँ उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने एक गरीब से घर में, गरीब तो नहीं कहूँगा लेकिन एक सामान्य घर में, संस्कारी घर में इस कन्या को जन्म दिया। इनको भी इतना नहीं पता था कि ये कन्या एक देवी है। देवी मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी जॉब में गई है जो बहुत से लोगों की जिंदगियों का सुधार करेगी। धन्यवाद मैं श्री सकुल का दोबारा फिर करता हूँ, क्योंकि इस परिवार ने तो ये ही नहीं पता था कि ये है क्या। एक स्टूडेंट के रूप में प्रिंसिपल महोदय ने कहा भी था कि पूरी जिम्मेवारी के साथ सकुल में ऐसे ड्रॉप कर देते हैं कि ये लो हमारा काम ख़त्म। लेकिन फिर भी इन्होंने ये नहीं पता था कि ये एक हीरा है। इस सकूल ने इस हीरे को तराशा। तराशने के बाद मैं धन्यवाद करता हूँ CLC का, जिस पे उस हीरे पे एक ऐसी पॉलिश की कि वो ऐसा चमकदार बना दिया जो आज सभी के बीच में हमारे सामने।
मैं सभी बुजुर्गों को ही नहीं कहना चाहता, क्योंकि इन्होंने तो अपना कर्तव्य था वो पूरा कर दिया। जो हम उम्र साथी हैं, मेरी उम्र के साथी हैं, जो हमारी पीढ़ी के हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारियाँ शुरू हो चुकी हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना सुनना शुरू कर चुके हैं, उनके एक संदेश देना चाहता हूँ और एक दोहे के अनुसार बोल देता हूँ मैं कि किसी ने कहा था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। लेकिन उसकी मिसिज भी इतनी समझदार थी, उसने उसके ऊपर कोई ताना दिया होगा, उसने भी कहा, और हमारे हरियाणा में तो जो औरतें हैं वो बाहर बड़ी संस्कारी होती हैं, अंदर कुछ भी कहे, फिर भी उसने कहा कि हे पुरुषोत्तम, तेरे बेजे में कहाँ दम था, तू किस्ती वहाँ लेके क्यों गया, पानी कम था। कहने का तात्पर्य यही है कि हमने किस्ती वहाँ ले जानी ही नहीं है जहाँ पे पानी है नहीं, तो डूबेगी कैसे। तो इतना तो हमने समझना चाहिए कि हमारा बस इतना करते हुए बनता है कि हम एक ऐसी जगह पे उस बच्चे को डाल दें जहाँ पे उसकी कितनी माताओं ने बहनों ने कहा है कि सबसे पहले सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, विशेषकर लड़कियों के लिए। तो आजकल ये बात ऐसी नहीं है, यदि जिस घर में संस्कार दिए लड़की है लड़का है, मैं कोई ज़्यादा फर्क नहीं मानता हूँ आज के दिन पे, लेकिन जो घर से संस्कार मिले हैं लगभग वो संस्कार पूरे हो जाते हैं, आप कहीं भी छोड़ दीजिए। लेकिन बड़ी खुशी होती है, सीएलसी का नाम बार बार सुना, और जिस दिन एडमिशन हुआ था शर्मा जी मेरे पास भी आए थे, हम एक डेढ़ घंटा बैठे भी थे, हमारी काफ़ी गुफ्तगू भी हुई थी, और हमने भी उस दिन परमात्मा से एक दुआ मांगी थी कि बेटी को उस मुकाम तक पहुंचाना जहां तक शर्मा जी की सोच है। लेकिन बेटी के संस्कारों ने, सीएलसी के आशीर्वाद ने उसको उस सोच से भी, माता पिता की उस सोच से भी आगे लेके भेज दिया। ये भी मैं गुड़िया का धन्यवाद करता हूँ जो उन संस्कारों को लेके चले। लेकिन मैं उन परिवारों के बच्चों को, हर माता पिता की एक सोच होती है कि मेरा बच्चा, ये ज़रूरी नहीं कि वो MBBS हो, ये ज़रूरी नहीं कि वो IAS हो, IPS हो, लेकिन एक संस्कारी तो हो, ये हर माता पिता की एक सोच होती है। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ, हमने जो संस्कार दिए हैं वो तो पनपेंगे ही, लेकिन बच्चों से भी मैं एक गुजारिश पेश करता हूँ कि वो भी उन संस्कारों को लेकर के एक ऐसी सोसाइटी बनाए जो सही और सलामत हो। यदि आपने ऐसी सोसाइटी में अपने साथियों के साथ रहना शुरू कर दिया तो आपकी सक्सेस आपके बहुत नज़दीक है इन्हीं बातों के साथ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अब मैं आप CLC अच्छा आपसे जा चुके दो बार, अरे क्या बात, वो आपके इशारे के ही हैं। हाँ जी, उनसे भी मिला हूँ, फिर मैंने, मेरे मित्र हैं RP सिंह जी जो आपके छोटे भाई हैं, आप कह रहे हो, मैं उस परिवार, आपने बताया कि कोई सेब के सेब लगेंगे, अंगूर के अंगूर, नींबू के नींबू लगेंगे, तो मैं उस परिवार से 2014 से रिलेशन में, मैं उनके हर दुख सुख का साथी हूँ, मेरे दुख सुख के साथी हैं। यहाँ से राहुल ने जिक्र कर दिया था कि CLC ऐसे ऐसे है, मैंने उनसे जो बैठा, बैठते ही मैंने उनसे कहा तो वो बहुत हंसने लगे, बोला यार तूने अब तक ये नहीं बताया कि तेरी बिटिया +2 तक पहुँच गई और +2 कर गई, और तू आज ये बता रहा है कि मैं CLC में एडमिशन करवाया। माँ जी मैंने तो करवा दिया, ऐसे ऐसे करवाया है, बोला अब तेरी कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत रह, तेरी कोई ड्यूटी नहीं है। इस बच्चे की बुक लेने के लिए रामप्रसाद जी गए थे जी, मैं नहीं गया आपकी CLC के। रामप्रसाद भाई है, छोटा रिचपाल का, रिचपाल के छोटे भाई हैं, सरपंच हैं वो, और हम सब एक जगह पे, हमारी ग्राइंडिंग यूनिट लगी हुई है। आप दो बार CLC गए, रिचपाल मेरा भाई है, बाद में पता लगा आप संतुष्ट हैं वहां से। मैं बिल्कुल, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे प्रॉस्पर व्यक्ति हैं। मैं बिल्कुल CLC से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और मेरे को बड़ी खुशी है कि मैंने भी एक अच्छी जगह पे बच्ची को भेजने का मौका मिला। थैंक यू ब्रदर।
मैं इस लाइव देख रहे हो कहना चाहता हूँ कि हो सकता है जो लाइव देख रहे हो उनको लग रहा हो कि बच्चे बीच में जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये तो लाइव की खासियत है, हमें केवल वो दिखाना है कि हम आए कहाँ से। आप देखो ऐसे वातावरण से हम लोग डॉक्टर बना देते हैं। अरे भाई कोठी वालों को तो कोई बना देता है जिसके घर में। एक बात ना चाहूंगा भाई, माइक देना शिव कुमार जी को। आपके दादा के बाद में जो भी आपके उनके नाती पोते जितने भी लोग हैं, कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में है भैया हमारे घर में? तो जी आपकी देन होगी। आप माइक मुंह के पास रखें। आपकी देन होगी जी, जो भी है। कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है? नहीं कोई नहीं। ये आपके सामने कह रहे हैं। आप सुने लाइव वाले, ऐसे घरों में जिस घरों में तीन पीढ़ी में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा और वहां से कोई गवर्नमेंट जॉब में आता है वो डॉक्टर के पद पे आता है। ये सीएलसी है, ये सीएलसी है। पहली मतलब नौकरी स्टार्ट भी कहां से होती है? गवर्नमेंट की, डॉक्टर से होती है। एक नंबर से, इससे एक नंबर से। इससे बड़ी अब मैं राहुल, एक इस घर में बहुत दैनिक लड़का है, आप किसी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं बीजेपी से? कोई पता ही नहीं। बिल्कुल आप बेटा प्लीज, आप इस घर के डायनेमिक पर्सनालिटी, एक बार राहुल का राहुल बड़ा बात रखें अपने आप यूथ को क्या कहना चाहते हैं? मैं साला सर बालाजी लगभग हर महीने में जाता हूँ। हमारी छोटी बहन है चिक्की, साधा नाम घर पे चिक्की कहते हैं इसको, ये वहाँ पे पढ़ती थी। तो मैं जब भी साला सर या खाटू श्याम जी जाता था तो इसे मिलने जाता था वहाँ पे, वहाँ पे बैठ के बात होती थी। तो ये बताती थी, हम सुबह 5 बजे उठते हैं, सबसे पहले तो हम सभी स्टूडेंट जितने भी हनुमान चालीसा से दिन की शुरुआत करते हैं। ये तो आपके अध्यात्म की और संस्कार की बात। और भी बातें होती थी कि भाई इधर उधर की लड़की है वहाँ पे रहती है, मखा बहन कोई और दिक्कत हो तो टीचर को कुछ कहना हो। इन्होंने कहा बिल्कुल जैसा अपना गांव मुंडाल है वैसी सीएलसी में बिल्कुल वैसा ही माहौल है। हमारे बॉस ऐसे, आपको बॉस कहते हैं सारे नाम, आज तक मुझे भी नहीं पता आपका, यही पता बॉस। ये कहती थी हमारे बॉस ऐसे हैं, पूरी शिक्र में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जितने आसपास में हाँ, मतलब पीजी हैं सभी पीजी वाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि केवल बॉस के कारण। हम सीएलसी का धन्यवाद करते हैं कि हमारे परिवार में आज तक कोई सरकारी नौकरी नहीं पिछली 3 पीढ़ी में, और हमारी बहन सीधी एमबीबीएस डॉक्टर बनेगी केवल सीएलसी के कारण। धन्यवाद। हाँ सर, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा जय सीएलसी। और क्या बात, सीएलसी वो प्लेटफॉर्म है जहां बच्चा जाएगा वो अपने घर जैसा माहौल बनाएगा, वहां किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी अपने बच्चों को कोशिश करें कि वो अपने उनका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सीएलसी भेजें, और ताकि वो अपने जीवन में कुछ बढ़ सकें। सीएलसी बहुत ही बढ़िया संस्थान है जहां बच्चा कुछ ना कुछ बन के निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। और वहां एक पिता का माहौल है, घर पे है, वहां एक बाप के घर जाता है, कोई भी बच्चा है, लड़का है या लड़की है, वो अपने घर जैसे माहौल में वहां रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएलसी इज सीएलसी। मैं भी अपने 2 बच्चों को, एक गुड़िया है प्लस 2 में और एक लड़का 9वीं क्लास में, बॉस के पास में इनके भरोसे पे छोड़ के आया हूँ। मैंने 2-4 रिश्तेदारों से भी और पहचान के मित्र हैं उनसे भी मान लिया, पता किया सीएलसी का बढ़िया माहौल है वहाँ। 3-4 विजिट भी किए हमने, बच्चों को भी साथ में लेके गए 2-3 बार। मेरे बच्चे यहाँ यदुवंशी में पढ़ते थे, ये भी बहुत अच्छी संस्था, लेकिन फिर भी एक मन में ये थी भाई मान ले जैसे शिव कुमार की 3 पीढ़ियां गुजर गई ना, इस तरह हमारे भी मान ले मेरे ताऊ एमडी तो जरूर बने थे इकलौते परिवार में, और बाकी हम भी मान ले सरकारी जॉब तो दूर है यहाँ से, ठीक है देसी भाषा पर आ जाए हम भी नुचा वहाँ पे साथ नहीं डाल मारे बुढ़िया एमबीबीएस करे, लड़का भी एमबीबीएस करे, एक बच्ची है तीसरी, एक जो बच्चा घर पे मेरी गुड़िया, अगले साल उसको भी मेरे 3 बच्चे में तीनों को सीएलसी में छोड़ूंगा, और आपको भरोसा कि मैं सर सबसे पहले तो आपको मतलब बहुत बहुत मतलब मैं कह नहीं सकती जो भी शब्द आपके लिए मेरे पास है। सबसे पहले तो सिर्फ एक ही लाइन में ये कहूंगी कि सुदामा के घर कृष्ण आए, और दूसरा बात ये कि आपने जो पेरेंट्स की फीलिंग जो समझी है, उनको जो सम्मान दिया है, वो शायद बच्चा तो सक्सेस हो जाता है लेकिन बच्चे को जो किसी कोचिंग में छोड़ते हैं उसके माँ बाप पे क्या बीतती है, उसके बाबा दादी पे क्या बीतती है, जो वो दिन रात ये सोचते हैं कि बच्चा किस हालत में होगा, कैसे होगा। ये कुछ महीने तो छोड़ने के बाद हमें टेंशन थी, लेकिन जैसे मैंने आपका प्रोग्राम देखा है तो मैं निश्चिंत हो गई। मैंने सोचा कि मैंने अपने घर में ही छोड़ रखे, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वहाँ हर तरह की प्रोटेक्शन आपने दी है, और सबसे ज़्यादा भक्तिमय माहौल वहाँ पर, और जो संस्कार है, बच्चा तो 1-2 साल में भी सफल हो जाएगा, लेकिन जो संस्कार उसको दिए जाते हैं
वो उसी टाइम वो जो बनते हैं जो आपने बनाए हैं और जो बच्चों में भरे हैं है? और सर मतलब आपने जो आपकी मैंने 2-3 मतलब प्रोग्राम देखे हैं, मैं सीएलसी में गई हूँ, आपने एक दो बात कही है कि बच्चे अपने बाप के साथ नमक हरामी कर सकते हैं, लेकिन उनकी बच्चों की जो माँ बाप जो फीस देते हैं किस खून पसीने से देते हैं, आपने वो हकीकत में ही प्यार समेत आप उनको वापस करते हैं। और कोई एक, एक एक और कोई बेटी की माँ के लिए मैसेज? यही कहूंगी, कहीं भी छोड़ो, कैसे भी छोड़ो, देखो मेरा तो मैं जो महसूस किया है 2 साल में और आगे भी कई बच्चियों को मैंने कहा है, हैं लड़के तो कंधे रख सकते हैं लेकिन जो प्रोटेक्शन और जो घर जैसा माहौल, ये सोचो कि मतलब भाई श्रवण कुमार जी वहाँ एज ए मतलब डायरेक्टर नहीं है, वहाँ उनके बाप बैठे हैं, ये सोचो कि अपने बाप को ही वो अपनी बेटियां सोच के आते हैं और बिल्कुल, और जो सारी फैकल्टी है वो भी एज ए मतलब चाचा ताऊ भाई की तरह ही उनको संभालती है, कोई मतलब किसी भी शोरान सर ने भी मतलब हमेशा ही इनको आगे किया है कि बेटी कोई भी प्रॉब्लम किसी टाइम भी वो उसके पास मेरे पास आ, हर तरह की मतलब कोई ऐसी मतलब कोई आने ही नहीं दी कि हम तक कोई बात आए, हमें पता ही नहीं था कि वो घर में रही है कि वो बाहर रही है। पहले मैं आप सभी को यहाँ से नमस्कार करना चाहती हूँ, आज इस बच्चे की वजह से मुझे यहाँ पे आगे बोलने का मौका मिला। मैं कहूँगी कि क्या होता है कि हम लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, मेरी मुन्नार गांव की बात करूँ तो मेरे स्कूल में जो 50 लड़कियों के साथ में 200 लड़के होते थे, 150 लड़के होते थे, वहाँ पर उनकी संख्या बराबर नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि हम लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल की फीस सिर्फ हम बेटों का खर्च करें, उनके लिए अफोर्ड कर सकते हैं, बेटियों के लिए नहीं कर सकते। आज आपके सामने एग्जाम्पल है कि आज मेरे बोलते हुए मेरे शॉप पिलर खड़ा रहे हैं सीरियसली, कि इस बच्ची ने इतना नाम रोशन किया, आप सभी को चांस मिला यहाँ पे आके बैठने का, तो प्लीज बेटियों के एजुकेशन पे ध्यान दें ताकि ये बेटे आपके गांव का नाम रोशन करेंगे। मुन्नार गांव का नाम आज उन्नतिशील में प्रगतिशील में लिया जाता है, सिर्फ क्यों? सिर्फ एजुकेशन के लिए आपके, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। पहले लोग कहते थे मुन्नार के लोग तो नाथ होकर साड़ी काटने जा रहे हैं, आज कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? मैं 10 साल यहाँ मुन्नार में नौकरी करके गई हूँ और 10 साल में बस पे खड़ी हुई, मुझे आज तक ये फील नहीं हुआ कि मैं कहाँ जाटों के बीच खड़ी हूँ या अननोन जगह पे खड़ी हूँ। आज मैं खड़ी होकर तो 50 बच्चे नमस्ते करके जाते हैं, 50 बच्चे हाँ सी बस स्टैंड पे मिलते हैं, 50 बच्चे वो करेंगे बाबा का खर्च हो गया, इसकी बड़े गर्व की बात कोई नहीं है। सीरियसली जब इसकी मम्मी ने मुझे कल कॉल किया यहाँ आने के लिए तो मैंने बिना सोचे उसके 50 तारीख ने पहले मुझे बुलाया इन्होंने, लेकिन मैं नहीं है, लेकिन कल जब उन्होंने बोला मैं हंजी जरूर आऊंगा। आज उन्होंने फोन किया भाई साहब ने, जी हंजी मैडम कहाँ हो? जी भाई साहब मैं निकल चुकी हूँ, 5 बजे आपको मिलूंगी। सिर्फ किस लिए? इस बच्ची के लिए। इस बच्ची का मुझे आज भी याद है, जब ये 6th क्लास में थी इसकी फर्स्ट पोजीशन आई तो मैंने इसके फादर को कॉल किया, सर ऐसे आपकी बेटी की ना फर्स्ट पोजीशन आई है। उससे बोल सकते इनको वो खुशी ना मिली, लेकिन मुझे वो बहुत खुशी मिली। आज इस बाप का नाम इस बेटी ने रोशन किया है। बच्चे ही होते जो औलाद बच्चे ही है जो अपने बाबा का सिर्फ घर से ऊंचा करते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। आप बोल सकते हैं आप इस आदमी को इस बच्ची के नाम से जानते हैं कि हाँ ये साधना के पापा है, जहाँ जो लोग आदरणीय अभिभावकगण, डायरेक्टर ऑफ सीएलसी और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले एक बात मैं यही कहना चाहूंगी कि हर बच्चे के अंदर कुदरत ने एक अद्भुत क्षमता दी है, सिर्फ हमें क्या करना है उस बच्चे को उसकी स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत अच्छी गाइडलाइन देने की जरूरत है। स्टूडेंट लाइफ में अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स जो करते हैं आजकल हम देखते हैं कि हमने फीस सबमिट करा दी, अब टीचर्स जाने उनका काम जाने। प्लीज आप लोग घर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके बच्चे कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुदरत ने उनको सब कुछ दे रखा है। जहां तक साधना की बात करें, वो शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो रही, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा उसका इंटरेस्ट था और बहुत अच्छे से वो पढ़ती थी, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती थी, 2 साल तक वो लगातार ट्यूशन पढ़ी और वाकई में मुझे लगता था ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ, मिठाई देने घर पे आई, वाकई में बहुत खुशी हुई। और एक और गुड़िया हमारी तनु CDS स्कूल से अभी CLC में गई है, एक अंसल गुड़िया पापा आए हैं उसके, वो CLC में गई है अभी, और जो रोमिका गुड़िया है हमारी राजवाला मैम है CDS से, उनकी गुड़िया है, उनका सिलेक्शन हुआ है। शुभम नाम का बच्चा है CDS से, वो CLC में गया है। जब भी इन बच्चों से बात होती है अबाउट CLC का जो भी सिस्टम है वहाँ पे किस तरीके से क्या कुछ पढ़ाई होती है,
तो बच्चे वाकई में एक बात कहते हैं कि जो सर है वो इतना मोटिवेशन वहां पे देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो बच्चे घर से दूर हैं। और इस तरह का सिस्टम है, और जहां तक बेटियों की बात है जो बार बार आ रही है, बेटियों को जो संस्कार और सुरक्षा वहां पे दी जाती है, पेरेंट्स इतने निश्चिंत हो जाते हैं वहां भेजकर कि उनको लगता ही नहीं कि हमारा बच्चा घर से बाहर है। तो एक बार मैं जो सर हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं हमारे, उनको इस तरीके से वो उन गाइडलाइन देकर उनका भविष्य वो संवार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पीटी आपको, और जो भी हमारे बच्चे जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए।